जुमला जो अफराद यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आलियान कोटली मीडिया नुमाइंदगान, सोशल मीडिया नुमाइंदगान, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया नुमाइंदगान, आप सबको मेरी तरफ से खुलूस भरा सलाम। मैं सबसे पहले आफ्ताब साहब का और इनके डिपार्टमेंट का, वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा इसकी तफसील में जाना चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि दो तीन मिनट में अपनी बात ख़त्म कर सकूँ। आलियान कोटली आज से एक साल कबल जब 2021 के इंतखाबात का इनेकाद आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ, और उस वक्त ड्यूरिंग इलेक्शन कम्पेन, हम इलेक्शन कम्पेन में थे, और कोटली के लोगों का एक मतालबा, हर कम्पेन में हम जहाँ जाते थे लोग हमसे ये मतालबा करते थे, जो हमारे पेंशनर्स हजरात हैं, हमारे वो लोग जिनके पैसे जनरल पोस्ट ऑफिस कोटली में जिन्होंने फिक्स कराए हुए थे, वो उनका टाइम मैच्योर हो चुका था, और लोगों को उन पैसों के असूल के लिए यहाँ से इस्लामाबाद, मीरपुर और रावला कोट दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था, और लोगों का ये एक बड़ा मतालबा था कि हमें कोटली के अंदर नेशनल सेविंग सेंटर का क्याम अमल में लाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी हो सके। और उसमें उस वक्त मैं उन लोगों का नाम भी लेना ज़रूरी समझूंगा, आज वो मुलाजम जीपीओ के से रिटायर हो चुके हैं, उसमें इस मसले को हाईलाइट करने के लिए जावेद साहब जो उस वक्त जीपीओ के मुलाजम थे, खालिद साहब वो उस वक्त जीपीओ के मुलाजम थे, ज़िया साहब वो इस वक्त यहाँ जीपीओ में मौजूद थे, और वो भी आए रोज़ इस मामले की तरफ हमारी तवज्जो दिलाते थे। और उसके बाद जब इंतखाबात के बाद मैं इलेक्शन अल्लाह के फजल व करम से जीता, तो उस वक्त मलिक सजाद साहब अपने दरख्वास्त के साथ मेरे पास आए, और मैं उस वक्त के वज़ीर उमूर कश्मीर, आज यहाँ उनका जिक्र ना करूँ तो ये भी ज़्यादती होगी, मैं शुक्रगुजार हूँ साबिक वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का कि मैंने लोगों के इस मसले को उनके साथ डिस्कस किया, और उसके बाद उन्होंने इस मामले का इनिशिएटिव लेते हुए उस वक्त के वफाकी मिनिस्टर और स्पेशली वज़रा का काम होता है अहकाम जारी करना, असल जो टीम होती है वो फील्ड ऑफिसरान होते हैं, मैं आज वो डायरेक्टर जो जिन्होंने इस मामले में अहम किरदार अदा किया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आफ्ताब साहब का ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए आज कोटली के लोगों का एक जो दरीना मसला था उसको हल किया। इस पर मैं वफाकी हुकूमत का और इस डिपार्टमेंट के आफ्ताब साहब और इनके जुमला जो ऑफिसरान हैं उनका आलियान कोटली की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कोटली की तरफ से, बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ का मैक्सिमम हिस्सा जो हमारे साथ को लिखा है वहाँ के लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे, उनकी जानब से डिस्ट्रिक्ट सुदलुती का मैक्सिमम हिस्सा जो कोटली के साथ जिनके आना जाना रहता है, जिन जो शहर कोटली आते हैं, जो हॉस्पिटल में कोटली आते हैं, और इसी तरह वो नेशनल सेविंग सेंटर से भी इस्तेफादा हासिल करेंगे, उनकी जानब से मैं वफाकी हुकूमत और डिपार्टमेंट आफ्ताब साहब आपका, आपके डायरेक्टर जनरल और तमाम जुमला अफिसरान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने कोटली का एक बड़ा मसला हल करके हमारे लोगों के लिए मुश्किलात को ख़त्म किया और हमारे लिए आसानियाँ बांटी। मैं अपनी पूरी टीम की जानब से, डिप्टी कमिश्नर साहब की जानब से, डीसी साहब आपका भी बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि जब भी कोटली के हवाले से हमने आपके साथ डिस्कस किया, आपने गहरी दिलचस्पी रखते हुए लोगों के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हम वक्त लोगों के काम काज में मसरूफ़ रहते हैं, और स्पेशली मेरे सामने जो हमारी सोशल मीडिया टीम है इनका भी बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि इन्होंने हमेशा कोटली के मसाइल को उजागर किया, हमेशा पॉजिटिवली काम किया, हमेशा लोगों के इश्यूज़ को डिस्कस किया, और आप तमाम अहबाब का बेहद मशकूर और ममनून इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम लोगों की मुश्किलात में कमी कर सकें और इंसानों की बेहतरी के लिए काम कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।